हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया से और नेबरिंग कंट्री से हमारे पास अप्रोच करते हैं कि वो यूरोप में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं तो काउंसलिंग के अंदर काफी बच्चे जो हैं वो अपनी काउंसलिंग के बाद अपना प्रोसेस नहीं स्टार्ट करते। मैंने काफी रिसर्च करी तो समझ में आया कि काफी लोग जो हैं वो इंटरनेट पे देख के आते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर कंट्री में जाना है और उस कंट्री के अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक बच्चा है वो कहता है मुझे स्पेन जाना है, और अगर वो स्पेन की क्वालिफिकेशन तो क्वालिफाई करता है, रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, लेकिन उसकी जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुल्ली मीट नहीं कर रहा, तो हम चाहेंगे कि बच्चा स्पेन में अप्लाई ना करे क्योंकि उसका वीजा नहीं आएगा। इसी तरीके से काफी सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लिए काउंसलिंग देते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्मनी जाऊं, डेनमार्क जाऊं, स्वीडन, लाटविया, लिथुएनिया, पोर्चुगल, फ्रांस, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन आज मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब भी आपने यूरोप में कोई कंट्री चूज करनी है तो उसे चॉइस करने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। इससे आपको अपनी काउंसलिंग लेने से पहले जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नंबर वन, अगर आप यूरोप को दो फेज में कर देते हैं, फेज वन एंड फेज टू। फेज वन में हम कंट्रियों के नाम देंगे जैसे कि फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स। ये सारी कंट्री जिनके मैंने नाम लिए ये काफी पॉपुलर कंट्रीज हैं और इनकी ट्यूशन फी बाकी यूरोपियन कंट्रीज से महंगी होंगी, जो कि हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, हंगरी, चेक, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमेनिया, बल्गेरिया। इन से आपकी जो फेज टू में जो कंट्री मैंने बताई आपको, इनकी ट्यूशन फी कम है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप फेज वन की किसी कंट्री में जाते हैं तो आपकी बैचलर या मास्टर्स दोनों के लिए आपको कम से कम 10,000 यूरो पर ईयर चाहिए। फिर चाहे वो जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, या फ्रांस की हो, या नीदरलैंड्स की हो, आपको 10,000 यूरो के बगैर आप अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे। 10 में से 9 यूनिवर्सिटीज 10,000 यूरो पे हैं। मैं अभी जर्मनी की फ्री एजुकेशन के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए होती है। So basically, आपके पास अराउंड अबाउट 10,000 का मतलब होता है आपके पास 9 लाख to 10 लाख रुपीज होने चाहिए अपने एक साल की ट्यूशन फी पे करने के लिए इन कंट्रियों के अंदर। अब हम बात करते हैं फेज टू की। जो फेज टू में हमारे पास कंट्रीज हैं, इसके अंदर आपके पास जो भी कंट्रीज हैं, आप अप्रोक्सीमेटली 3,000 यूरो से लेके 4,500 यूरो तक आपके पास होने चाहिए, यानी कि समवेयर लाइक 3 लाख to 4 लाख रुपीज यू शुड हैव, ताकि आप फेज टू की कंट्री में अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सके। तो एक जगह आप 3 से 4 लाख पे कर रहे हैं, एक जगह आप 9 से 10 लाख पे कर रहे हैं, लगभग 3 गुना का फर्क आ गया ट्यूशन फी के अंदर ही। आगे चलते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस। दो ही मेन चीजें होती हैं, ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस आपकी फेज वन की कंट्रियों में अप्रोक्सीमेटली 500 से 700 यूरो है, यानी कि आपको हर महीने 50 से 60 हजार रुपए चाहिए होंगे अपने फूड के लिए और अपने लिविंग के लिए, बेसिक लिविंग के लिए। और अगर मैं फेज टू की बात करता हूं तो फेज टू वाली कंट्रियों के अंदर आपको चाहिए होंगे अराउंड अबाउट 300 यूरो। तो ये भी आपका डबल का फर्क आ गया। सो लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं, फूड एंड लिविंग एक्सपेंसेस, वो आपके डबल का फर्क आता है, और ट्यूशन फी में आपको अप्रोक्सीमेटली 3 गुना का फर्क आता है। अब काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं जर्मनी जाऊंगा तो वहां जॉब ज्यादा मिलेंगी मेरे को, या मैं फिनलैंड जाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको प्रोग्राम क्या मिल रहा है, और उस प्रोग्राम के अंदर आप बहुत ज्यादा लोन तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगर आप पढ़ने जा रहे हो फेज ए कंट्री में तो आप ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस दोनों नहीं निकाल पाओगे।
आपको लिविंग एक्सपेंसेस निकालने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ट्यूशन फी के लिए अगर आप लगा जाओगे तो आपकी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट जो डेनमार्क जा रहा है जिसकी ट्यूशन फी 10 लाख रुपए है और उसका रहना खाना जो है 5 से 6 लाख रुपए है, तो आपको 16-17 लाख रुपए आपको हर साल चाहिए बेसिकली। लेकिन अगर आपके पास वही अगर आप लिथुनिया जाते हो तो आपको सिर्फ चाहिए हैं 2.5 से 3 लाख रुपए ट्यूशन फी के और आपको चाहिए हैं 1.5 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंसेस के। सो टोटल भी अगर मैं कर देता हूं तो 5 से 6 लाख रुपए में आपको आपकी ट्यूशन और लिविंग दोनों मिल जाती है। लेकिन अगर मैं डनमार्क करता हूं तो ये 15 से 16 लाख रुपए है, तो एक जगह 5 से 6 लाख, एक जगह 15 से 16 लाख, लेकिन दोनों की कंट्री और दोनों यूनिवर्सिटीज की जो डिग्री होगी वो यूरोपियन यूनियन से रिकॉग्नाइज होगी, वो डिग्री ईयू होगी। दोनों कंट्रीज के अंदर आपको स्टे बैक ऑप्शन मिलेगा, दोनों कंट्री में आपको वर्क करने की ऑप्शन मिलेगी। ये आपको देखना है कि आप 15 लाख रुपए लगा के जाएंगे उस डिग्री के लिए या आप उस डिग्री के लिए कम लगाना चाहते हैं। तो कई स्टूडेंट जो हैं वो कंट्री बड़ी इसलिए लेते हैं कि उन्हें लगता है ये बड़ी कंट्री है, यहाँ जल्दी सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो जितनी भी आपको ये छोटी कंट्री सुनाई दे रही हैं, जिसको हम फेज टू में कहते हैं छोटी कंट्री है, मैं जानबूझ के ये वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, साइज में छोटी है लेकिन अपॉर्चुनिटी में इन कंट्रियों के अंदर आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। So basically, आपने ये देखना है कि आपको ट्यूशन फी कितनी पे करनी पड़ रही है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं, उसको कंपेयर करना है कि अगर तो आपके पास आगे का भी प्लान रेडी है फिर तो आप चाहे फेज ए में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं बेसिकली मेरे पास ट्यूशन पैसे बहुत कम है और मुझे आगे के पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा फेज ए, बिकॉज लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत एक्सपेंसिव है, ट्यूशन भी एक्सपेंसिव है। 4 साल की बैचलर अगर मैं किसी को डेनमार्क में कराता हूं तो 40 लाख रुपए की होती है, 10 लाख रुपए ट्यूशन फी का, और वही बैचलर डिग्री अगर मैं आपको लिथुनिया या लाटविया में करवाता हूं तो वो ट्यूशन फी आती है आपकी 4 साल की सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए। So, एक जगह 10 से 12 लाख रुपए है, हद से हद 15 लाख रुपए कहते हैं हम अगर हम बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी लेते हैं तो, और एक जगह 40 लाख है, तो 15 और 40 लाख में लगभग 3 गुना का फर्क पड़ गया। तो जो बच्चे अगर बैचलर करने जा रहे हैं तो उन्हें अपनी ट्यूशन भी निकालनी पड़ेगी और उनको अपनी लिविंग एक्सपेंस भी निकालनी पड़ेगी, तो फिर ये उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और जिसकी वजह से स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यूरोप जाना चाहते हो, आपने माइंड में कंट्री स्पेसिफिक नहीं रखना है, हर कंट्री ने आपको शेंगेन वीजा देना है, हर कंट्री आपको स्टे बैक दे रही है, हर कंट्री के अंदर अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप लो ट्यूशन फी कंट्री में जा रहे हो, अपनी एजुकेशन खत्म कर रहे हो, आप एजुकेशन खत्म लो ट्यूशन फी में करके जो बिगर कंट्रीज हैं उनमें आप वर्क के लिए कन्वर्ट हो सकते हो, क्योंकि आपका जो वर्क वीजा है, आपका जॉब सीकर वीजा है वो आपको अलाउ करता है कि आप पूरे यूरोपियन यूनियन में जॉब अप्लाई कर सको। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये कंट्री कंपैरिजन थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि नीदरलैंड जाऊं या फ्रांस, स्वीडन या डेनमार्क, लाटविया या लिथुनिया, फिनलैंड या जर्मनी, तो उसके लिए आप मेरे साथ फ्री काउंसलिंग सेशन जूम पर बुक कीजिए और मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी ऐसी कंट्री में यूनिवर्सिटी है जहां पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दिस विल बी एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, बस क्लिक कीजिए और फोन घुमाइए और अपना सेशन बुक कीजिए। मिलते हैं इंडो यूपिंग की टीम के साथ अगले वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.